स्कूल प्रिंसिपल रॉल्फ पॉसल एक घंटे की यात्रा करके वेंगन में अपने स्कूल जाते हैं। उनके कई टीचर भी इसी स्थिति में हैं। सुदूर बसे लाउटर ब्रुनेंटाल में टीचर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हमारी नगर पालिका में बर्न के कैंटन में सिर्फ दो स्कूल हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं है। वहां आपको म्यूरेन दिखेगा, जहां आप सिर्फ केबल कार के जरिए पहुंच सकते हैं। वेंगन जाने के लिए आपको रैक रेलवे लेनी पड़ती है। वेंगन में टीचरों की कमी से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने पड़े। सिल्विया ने माथिस इसी गांव से हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड टीचर नहीं हैं। क्या तुम दोनों साथ काम कर सकते हो? इससे थोड़ी आसानी हो सकती है। 56 साल की सिल्वियाने ने पर्यटन की पढ़ाई की है और होटलों में काम किया है। 9 साल पहले उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले ग्रुप शुरू किया। अब वो 4 से 8 साल के बच्चों की क्लास में क्लासरूम टीचर हैं। सिल्वियाने के लिए ये ड्रीम जॉब है। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं यहाँ 30 साल रही हूँ और सभी परिवारों को जानती हूँ। मैं दादियों को जानती हूँ जो मेरी उम्र की ही हैं। मैं उनके बच्चों और नाती पोतों को जानती हूँ। बच्चों को सिल्वियाने और ट्रेनिंग पाई उनकी साथी टीचर में कोई फर्क नहीं लगता। सैद्धांतिक रूप से बर्न के कैंटन में कोई भी टीचर बन सकता है। इसके लिए स्विट्जरलैंड का हाई स्कूल डिप्लोमा भी नहीं चाहिए। कैंटन के करीब 10% टीचरों के पास डिप्लोमा नहीं है। लाउटर ब्रुनेंटाल में तो आधे से ज्यादा टीचर ऐसे हैं। प्रिंसिपल अधिकारियों से सलाह मशविरा किए बिना खुद ही टीचर भर्ती करते हैं। हमें लोग चाहिए, डिप्लोमा नहीं। हम उन लोगों की तलाश करते हैं जो हमें उपयुक्त लगते हैं, और हम स्थानीय लोगों को जानते हैं। हम सब बहुत करीब हैं और हम जानते हैं कि कौन फिट बैठता है। फिर भी प्रिंसिपल के लिए सही लोग खोजना बड़ा मुश्किल है। रॉबिन फॉन आलमेन सही व्यक्ति मिल गए। वो 23 साल के हैं, बायोलॉजी से ग्रेजुएट हैं और बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मैं नेचर, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, मीडिया एंड आईटी और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। पिछले हफ्ते तक फ्रेंच भी पढ़ा रहा था। मैंने एथिक्स, रिलीजन और सोसाइटी विषय भी पढ़ाया है। स्विट्जरलैंड का अध्यापक संघ नए लोगों को संदेह की निगाह से देखता है। बिना डिप्लोमा वाले टीचरों की तत्काल जरूरत है, लेकिन संघ की अध्यक्ष के मुताबिक उन्हें डिप्लोमा हासिल करना होगा। शैक्षणिक प्रशिक्षण के बिना स्कूलों में काम करने में सक्षम होने से ये संकेत जाता है कि इस पेशे में प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। कई छात्र सोचेंगे कि अगर मैं बिना ट्रेनिंग के काम कर सकता हूँ तो मुझे 3-4-5 साल तक ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। घाटी के ज्यादातर नए टीचर कभी पढ़ाने का डिप्लोमा हासिल नहीं करते। सिल्विया ने कहती हैं कि अब उनकी उम्र हो चली है। रॉबिन मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ाना उनके लिए मुख्य काम नहीं है। प्रिंसिपल पॉसल को अपने नए टीचरों पर गर्व है, लेकिन वो समस्या भी समझ रहे हैं। ये रोज का संघर्ष है। बेशक नया टीचर कम अनुभव के साथ आता है और उसे सीखना पड़ता है। इसमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। तो अच्छी गुणवत्ता हासिल करने के लिए लोगों का 2-3 साल तक यहाँ रुकना जरूरी है। पॉसल बताते हैं कि कई नए टीचर साल भर बाद चले जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है। बीते 15 सालों में टीचर्स कॉलेज में नामांकन लगभग 2 गुने हो गए हैं। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर एजुकेशन तो अपना दूसरा कैंपस खोल रही है, लेकिन इससे कोई फौरी मदद नहीं मिलेगी। सुदूर लाउटर ब्रुनेंटाल में अगले साल के लिए 3 नई नियुक्तियां निकाली गई हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी आवेदन नहीं किया है।